विद्यार्थियों की संख्या हजारों में, जिन्होंने एक विश्वविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों के दौरान 3 अलग-अलग विषय का चयन किया हो। तो इधर ये है विद्यार्थियों की संख्या लाख में, और जो ब्लू जो देख रहे हैं वो हिंदी है, अंग्रेजी जो रेड जो है ये अंग्रेजी है, और ग्रीन जो है वो गणित है। पहला क्वेश्चन बोलता है क में वर्ष 2009 में दिए गए 3 विद्यार्थियों का चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 38% लड़कियां हैं, उसी वर्ष में कितने लड़कों ने इन 3 विषयों का चयन किया। ख है यदि वर्ष 2007 में विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या इतना थी, तो दिए गए 3 विषयों का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का लगभग कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2006-7-9 में मिलाकर हिंदी का चयन करने वाले और गणित का चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2005 से और 8 में मिलाकर गणित का चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, इसी वर्ष में सभी 3 विषयों का चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2006 और 8 में मिलाकर अंग्रेजी का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005 और 2009 में मिलाकर हिंदी का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमिक अनुपात कितना है। तो ये इसका ग्राफ है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका आंसर क का वर्ष 2009 में 3 विषयों का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 + 20 + 5 45 लाख। वर्ष 2009 में लड़कियों की संख्या 45 × 38/100 = 17.1 लाख। अवशिष्ट लड़कों की संख्या 45 लाख -17.1, फिर कितना हो जाएगा 27.9 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस वर्ष 2007 में कुल विद्यार्थी कितना था, इतना था। वर्ष 2007 में 3 विषयों का चयन करने वाले विद्यार्थी 15, 10 और 15, तो ये हो गया 40 लाख। परसेंट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा अवशिष्ट प्रतिशत 40 लाख × 10 लाख बट्टा ये जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है 100 से करेंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। तो परसेंटेज यह है 87.9%। नेक्स्ट क्वेश्चंस वर्ष 2009 से 7 और 9 में वर्ष 2006-7 और 9 में हिंदी का चयन करने वाले विद्यार्थी कितने थे, 5, 15, 20, ये सब लाख में है, और कितना हो गया 40 लाख। गणित का चयन करने वाले विद्यार्थी 35 + 15 + 5 तो = 55 लाख हो गया। डाटा जो भी है वो लाख में दिया गया है, तो संख्या कितना हो जाएगी, तो ये हो गया हिंदी का चयन 40 लाख, हिंदी का चयन 40 लाख और गणित का चयन 55 लाख, तो हो गया 95 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चंस वर्ष 2005 और 2008 में गणित का चयन करने वाले विद्यार्थी 15 लाख और 30 लाख, तो हो गया 45 लाख। इसी वर्ष 3 विषयों का चयन करने वाले 55 + 85, कितना हो गया 140 लाख। प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ गया प्रतिशत हो जाएगा ये 45 लाख / 140 लाख × 100, तो हो जाएगा 32.142%। लास्ट क्वेश्चंस का आंसर है वर्ष 2006 और 2008 में अंग्रेजी का अध्ययन करने वाले 25 + 30 = 55 लाख। वर्ष 2005 और 2009 में हिंदी का चयन करने वाले 5 लाख + 20 लाख = 25 लाख, तो अनुपात कितना निकालेंगे, तो अनुपात हो जाएगा 2006 और 2008 में अंग्रेजों का चयन कितना किया था, तो 55 लाख,
और बटा हिंदी में कितना क्या था, 2005 और 9 में हिंदी चेंज करने वाले 25, तो 11/25 काट कूट किया गया, तो कितना हो जाएगा अनुपात, क्या हो जाएगा इसका, 11:5।